लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। आखिर आप हैं कौन? क्या आप सोनम को जानती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या चल रहा है? उस अनजान लड़की कबीर को इधर उधर बोल के अपने बातों में उलझाए रखी, और तब तक सोनम वहाँ पे पहुँच चुकी थी। कबीर, और ये लड़की, इसका मतलब ये सच में कैंडल लाइट डिनर करने आया है? हे भगवान, मन करता है अभी जाकर कबीर को कस के दो थप्पड़ लगाऊं। नहीं, यहाँ पे कुछ बोली तो मेरा ही मजाक बन जाएगा, चुपचाप चले जाना ही ठीक होगा यहाँ से। सोनम अपने मोबाइल में कबीर का उस लड़की के साथ एक फोटो लेकर वहाँ से घर चली गई, और कबीर के घर वापस आने का इंतजार करने लगी। देखिए मैडम, बहुत हो गया, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे आपके साथ यहाँ पे और नहीं बैठना, मैं चलता हूँ। ओह कबीर, मुझे गलत फहमी नहीं हुई है, शायद सोनम को आने में देर हो रही है, आप ये पानी पी लीजिए प्लीज एंड रिलैक्स। फिर कबीर उसके सामने रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और एक ही बार में खत्म कर दिया। सुनो, मेरे फोन का बैटरी डेड है, नहीं तो मैं कब का सोनम को कॉल करके बात कर लेता, मैं चलता हूँ। कबीर गुस्से से अपने जगह से उठते ही उसे चक्कर आने लगा। ये क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा? ग्यारह बज चुके हैं, कबीर अभी तक घर नहीं आया, आज फैसला होकर रहेगा। आखिर मैं कब तक उसकी ऐसी हरकतें बर्दाश्त करती रहूंगी? एक बार उसने बहुत बड़ी गलती की, मैंने इग्नोर कर दिया, पर अब तो वो माफी के लायक भी नहीं है। सोनम काफी देर तक कबीर का इंतजार करती रही, ना तो वो सो पा रही थी और ना ही कबीर के लिए जगे रहने को उसका मन था। इतनी रात गए, कॉल कौन कर रहा है? हेलो, देख लिया ना अपने पति का असलियत, ये बस एक दिन की बात नहीं, हर रोज वो किसी ना किसी के साथ बाहर घूमता रहता है, और आज जिसके साथ कबीर को होटल में देखा है वो उसी के साथ रात बिता रहा है, और कल सुबह घर वापस आके तुम्हें कोई सॉलिड बहाना दे देगा और तुम मान जाओगी। पर आप हैं कौन, और मेरा नंबर आपको कहां से मिला? कबीर के साथ आपका क्या कनेक्शन है? मैं आपका शुभचिंतक हूँ, समय रहते उससे अलग हो जाइए, नहीं तो बहुत पछताएंगी, गुड नाइट। हेलो हेलो, अरे फोन काट दिया, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो ये किसी सस्पेंस मूवी की तरह लग रहा, काश ये मेरी लाइफ ना होकर सच में कोई मूवी होता। कबीर, क्यों क्यों कर रहे हो ऐसे मेरे साथ? अब सोनम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई और पति पत्नी के बीच की बात अनिरुद्ध को बताने उससे कॉल लगा दी। सोनम, तुम इतनी रात गए? अनिरुद्ध, मैं कबीर को नहीं छोड़ूंगी, वो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखा? नहीं सोनम, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, कबीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अच्छा तो फिर सुनो। सोनम कबीर का सारा किया धरा अनिरुद्ध को सुनाई। फिर भी मैं नहीं मानता कि कबीर ऐसा कुछ कर सकता है, तुम चिंता मत करो सोनम, अभी सो जाओ, वो अभी जहाँ कहीं भी है सुबह होते ही घर तो आएगा, और कल सुबह मैं कबीर से मिलने जाऊंगा। सोनम बीना बहुत नादान है, मुझसे शादी कर लेती
तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आ, आ। कोई है? कोई है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे बंद क्यों किए हो? क्या चाहते हो मुझसे? हेलो हेलो, कोई है? कुछ तो बोलो। शिट, कहाँ फंस गया यार वो लड़की? हाँ, वो लड़की जरूर उस पानी में कुछ मिलाई थी। पता नहीं सोनम कैसी होगी अब। उफ, कहाँ कहाँ ढूंढ रही होगी मुझे। कबीर को समझ आ गया कि वो इस बंद घर में पिछले कई घंटों से बेहोश पड़ा था और किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। वो अब चिल्लाना बंद करके उस कमरे से बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगा। काफी समय तक स्ट्रगल करने के बाद उसे एक कमजोर खिड़की दिखाई दी, जिसे वो तोड़ के उस घर से बाहर कूद गया। उफ, मुझे यहाँ से जल्द ही भाग जाना होगा, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। सुबह होने को बस एक घंटा बाकी था। कबीर भागते भागते सबसे पहले एक टेलीफोन बूथ के पास जा पहुंचा। हेलो हेलो अनिरुद्ध, मैं कबीर बोल रहा हूँ। कबीर, तुम ठीक तो हो ना? अनिरुद्ध, तुम जल्दी से एमजी पार्क के पास आ जाओ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी आया। हाय अंकिता, गुड मॉर्निंग। हाय अंकिता। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। क्या लोगे बताओ, चाय या कॉफी? मैं खुद बनाऊंगी। अरे बाप रे, बड़े अरसों के बाद तुम इतनी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है। बोलो ना अंकिता, क्या बात है, तुम इतना खुश क्यों हो? क्या बताऊं यार, छोड़ो जाने दो, बस इतना जान लो कि बहुत दिनों के बाद दिल को सुकून मिला है। तुम्हारे बातों से तो लगता है जैसे कबीर और सोनम का डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स का क्या करना, वैसे हो भी सकता है, क्या पता। इतना मासूम चेहरा क्यों बनाए रखे हो कबीर? सीधा सीधा बोल दो कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया था या फिर तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था, जिसके लिए कल रात को तुम घर वापस नहीं आ पाए। सोनम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में किसी ने मुझे किडनैप कर लिया था। बहुत मुश्किल से वहां से निकलकर अनिरुद्ध को कांटेक्ट किया मैंने और उसके साथ घर वापस आया। मेरा यकीन करो प्लीज। यकीन? कितना अच्छा एक्टिंग करते हो तुम कबीर। लगता है कल जिसके साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे वो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है ना, और उसके साथ पूरी रात बिता दिया। वाह मिस्टर कबीर, वाह। कैंडल लाइट डिनर? सोनम, तुम ही तो मुझे उस होटल में इनवाइट की थी डिनर के लिए, होली के लिए सरप्राइज दे रही थी तुम, इसीलिए मैं वहां पे चला गया। और तुम ही तो उस लड़की को मेरे साथ बैठने बोली थी, फिर ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो? मुझसे दूर रहो कबीर, एकदम दूर। मुझे और कोई सफाई नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। सोनम, एक्चुअली कबीर जो भी कहा वो सच है। अनिरुद्ध, तुम इस सब में ना पड़ो तो ही बेहतर होगा, प्लीज। कबीर और अनिरुद्ध के समझाने पर भी सोनम उनकी एक ना सुनी और फाइनली पति पत्नी के बीच का भरोसा टूटते नजर आने लगा। एक ही घर पे रहने के बावजूद सोनम ना तो कबीर से बात करती थी और ना ही उसकी कोई बात सुनती थी। फिर एक दिन, निकिता, तू? सोनम? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।